रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गुरुवार को ग्रुप फेज के सभी मैच पूरे होने के साथ ही नॉकआउट के लिए 16 टीमों की तस्वीर भी साफ हो गई है। नॉकआउट में हर दिन दो दो मैच खेले जाएंगे और हर टीम को एक ही मैच खेलने का मौका मिलेगा। नॉकआउट के मैच 30 जून से शुरू होंगे। पहले दिन यानी 30 जून को यूरुग्वे पुर्तगाल और फ्रांस अर्जेंटीना के बीच मैच खेला जाएगा। 1 जुलाई को स्पेन रशिया और क्रोएशिया डेनमार्क के बीच मैच होगा। 2 जुलाई को ब्राजील मेक्सिको और बेल्जियम जापान के बीच मुकाबला होगा। 3 जुलाई को स्वीडन स्विट्जरलैंड और कोलंबिया इंग्लैंड के बीच टक्कर होगी। नॉकआउट से 8 टीमें क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचेंगी और फिर क्वार्टर फाइनल्स में जीतने वाली 4 टीमों की सेमीफाइनल में एंट्री होगी। सेमीफाइनल्स में जो भी टीम मैच जीतेगी वो सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीमों के बीच तीसरे स्थान को लेकर प्लेऑफ मुकाबला होगा। फाइनल मैच 15 जुलाई को लुज्निकी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछली बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी इस बार नॉकआउट में भी नहीं पहुंच सकी है और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।